मैं तुमसे ना मिला होता जोया, लेकिन अगर तुमसे ना मिलता तो मर जाता। काश मैं मर ही क्या होता। मामा, 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 सबा, मामा, सबा, दूर है। सबा, it's okay. मुझे मम्मा के पास जाना है। काम डाउन। मत। सबा आराम। सबा प्लीज। छुए मत। सबा क्या हो गया? मम्मा। सबा आराम से। दूर रहो। सबा। दूर रहो मेरे को। सबा। दूर रहो। सबा क्या हो गया? अरे सबा। सबा मेरी बात तो सुनो ना। सबा जाओ, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा बाहर मेहमान है। मम्मा के पास जाना है। छोड़ दो मुझे। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो। सबा प्लीज। छोड़ दो। सबा काम डाउन। सबा। खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। गंदे हैं आप, मारते हैं मुझे। मैं सबको जाके बताऊंगी कि आपने मारा है मुझे। मामा को भी बताऊंगी मैं। मामा, सबा दूर है ना? सबा तेरे बताना मेरे मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा को बुलाएं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज शारिक के हाथों में अपनी बेटी का हाथ देकर मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया हूँ। आज आज सुकून की नींद आएगी नफीसा। करीम, हमारी बेटी आज कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ। कुछ लोग तो यूं हैरान हो रहे थे जैसे उसकी कभी शादी ही नहीं होनी। उसकी शादी होना इतना आसान भी नहीं था नफीसा। ये तो शारिक का आला ज़र्फ है कि उसने। बस बस, एक तो मैं आपकी इस आदत से बड़ी तंग हूं। हर बात में शारिक की तारीफ करने बैठ जाते, इस तरह से तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और प्लीज, यूं बार बार उसके आगे बिछ ना जाया करें। बस कर दो नफीसा, क्या अच्छी खासी है हमारी बेटी, और फिर हमारी जायदाद की इकलौती वारिस है, तो माशाल्लाह से वो ठीक भी होती जा रही है। और आपको पता है, शादी के इन सारे दिनों में उसने मुझे एक बार भी तंग नहीं किया। इस वक्त कौन है? मम्मा, 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 आप कहाँ चली गई थी? मम्मा, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको निकाल यहाँ से, मुझे इसके साथ नहीं है ना। इस आदमी की, इस आदमी की मम्मा, ये अच्छा आदमी नहीं है। इन्होंने, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं मम्मा, थप्पड़ मारे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सच कह रही, थप्पड़ मारे हैं मुझे। तुमने इसे थप्पड़ मारा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आइए आपा, आइए आप भी देखिए, आपके बेटे ने मेरी बेटी को शादी के पहली रात क्या तोहफा दिया है। तुमने क्या सोच के हाथ उठाए उसके ऊपर? चुप कर जाएं करीम आप। तो कोई लावारिस बच्ची है, जैसा तुम्हारा दिल करेगा वैसे तुम इसको ट्रीट करोगे? ये हमारी बच्ची है। मम्मा और डांटे, तुमने तुम्हें क्यों मारा मेरी बेटी को? मामी, ऐसी बात नहीं है, वो हाइपर हो गई थी, शोर मचा रही थी, मैंने सोचा बाहर मेहमान है, मैंने उसको। झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओ? मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, बस सबक तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे देखो। करीम, करीम इससे। अच्छा शारिक, हम कमरे से बाहर चलते हैं। आप भी बाहर चलते। करते हैं आप ही। और अपनी बेटी का तमाशा मत बनाओ प्लीज। तमाशा मैं बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ तमाशा? प्लीज
कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ प्लीज देखो उसको। समझ में नहीं आता सभा को कैसे समझाएं। मैं भी यही सोच सोच कर सारी रात परेशान रही हूं करीम। तुम लोगों को अभी उसकी रुखसती नहीं करनी चाहिए थी। अफीसा, अब कैसी तबीयत है सभा की? ठीक है, सारी रात सो नहीं सकी वो, बार बार डर डर के उठ जाती थी। एक तो पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब शारिक की मार के बाद तो वो और ही सहम गई है। ये भी अच्छी रही आपा, शारिक ने भी शादी के चंद घंटों बाद ही टिपिकल शौहरों वाली फितरत दिखानी शुरू कर दी है। हमने उसकी शादी उसका इलाज कराने के लिए कराई थी, ना कि उसे और बीमार करने के लिए। मामी प्लीज, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता तो दी है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। नफीसा, मेरा ख्याल है कि सभा को कुछ दिन के लिए यहीं रहने दें, उसका अभी शारिक के साथ जाना ठीक नहीं है। क्या कमाल करती हैं आपा, आप भी। कौन से माँ बाप हैं जो बेटी को शादी के बाद घर बिठा लेते हैं? बेटियां शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। पापा ठीक कह रही हैं नफीसा, कल रात से सभा की जो हालत है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, वो किस तरह रहेगी शारिक के साथ? हद करते हैं आप भी करीम, अब जैसे भी हो उसी शारिक के साथ ही रहना है।